Anmol Biscuits Laughter Express. Welcome back! रवा सभी लोगों के एक बार फिर से जोरदार तरीके से स्वागत भाई रंग मंच पर. अब स्वागत बहुत हो गए प्रोग्राम के आगे भी बढ़ाए के बाद कहे कि से अगला परफॉर्मेंस इंतजार कर रहा बारन. जी हाँ, मिस्टर अभय. आहा, पांचवी कक्षा की क्लास में मास्टर ने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों क्या बनना चाहते हो. किसी ने कहा आईएएस, किसी ने कहा पीसीएस, किसी ने कहा मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ. पीछे की सीट से एक लड़के ने कहा, सर जी मैं इमरान हाजमी बनना चाहता हूँ. आहा, मास्टर जी बोले, अरे बेटा तूने गलती की है करियर चुनने में, ये तो बता तुझे प्रॉब्लम क्या है और कुछ बनने में. लड़का बोला, गुरुजी जॉब में अभी कहाँ इतना पैसा है, बिजनेस करना तो बेवकूफों जैसा है. आजकल के नेता फंस जाते हैं स्टिंग ऑपरेशन के जंजाल में, क्रिकेट में जहर घोल दिया है मैच फिक्सिंग के बवाल ने. पर फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा प्राइज का वैल्यू ऊपर चढ़ता है, फिल्म हिट हुई तो प्राइज वैल्यू, नहीं तो फिर भी पॉपुलरिटी मिलता है. इस बात को कई बड़े फिल्म समीक्षक माने हैं. MMS क्लिप से भी ज्यादा बिकते इमरान हाजमी के गाने हैं. उदिता समिता तनुश्री उसकी पिछली फिल्मों की साइन में है. पता चला है नेहा विपाशा ऐश्वर्या उसकी अगली फिल्म की लाइन में है. मैं भी ऐसी टेस्टी चॉकलेट का स्वाद चखना चाहता हूँ. गुरुजी महतारी कसम मैं भी इमरान हाजमी बनना चाहता हूँ. मास्टर का सिर चकरा गया सातों आसमान पे. बोले, सिवाय लड़कियां घुमाने का क्या किया तुम्हारे इमरान ने. लड़का बोला, गुरुजी लड़कियां घुमाना आसान काम नहीं, वरना इतने पावरफुल लोगों का होता है अंजाम नहीं. क्या आप भूल गए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को, चले गए मोनिका के चक्कर में वीर गति को. बदल गया कप्तान देश का सौरभ नगमा के टक्कर में. क्रिकेट खेलना भूल गया हो नए खेल के चक्कर में. मेरा कहने का मतलब एकदम सीधा साफ है, इमरान हाजमी काबिलियत में बिल क्लिंटन का बाप है. मैं भी ऐसा एक डिमांडेड आदमी बनना चाहता हूँ. महतारी कसम गुरुजी मैं भी इमरान हाजमी बनना चाहता हूँ. आहा, जैसे ही आपने इनको जीजा बनाया, भाई ने आके इनके पैर पकड़ लिए कि दो चार टक्कर मार लेने दो आपके साले, इसलिए टक्कर. अरे ऐसा टक्कर मार देलन कि हमार पैर जख्मी हो गए. इसकी सजा मिलेगी. चलो कोई बात ना, बात सजा दिल जाई, लेकिन अभी इनके मार्क्स दी, नंबर दी कि कैसा लागल इनका परफॉर्मर. भैया अभय जी सर, तुम तो एकदम इमरान चालीसा पढ़ दियो बे. थोड़ा और आगे बढ़ो. अब हमेशा सचिन तेंदुलकर तो 100 बनाता नहीं है, 99 पर हाथ कांपने लगता है उसका, तो उसके लिए घबराना मत. ओके सर. अच्छी थीम थी और उस थीम में जो व्यंग और सटायर आए आपके वो बहुत बढ़िया थे, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी. और आपका स्टाइल अच्छा था, तो पहले हंसता हुआ चेहरा दिखाओ. हाँ, उसके बाद उसको घुमाओ. तो इसलिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा. क्या बात, ये हम दोनों की तरफ से. सरवा मिल गए कुल मिला के 8 और 7 15 नंबर. तब सुनिए हमारा अगला परफॉर्म.